आज मैं थोड़ा सा सैड हूँ, थोड़ा क्या बहुत सैड हूँ, क्योंकि एक मैं बैड न्यूज़ लेकर के आया हूँ। हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं थोड़ा सा सैड हूँ, थोड़ा क्या बहुत सैड हूँ, क्योंकि एक मैं बैड न्यूज़ लेकर के आया हूँ इस वीडियो में। और वो बैड न्यूज़ है, मैं ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करूँगा, डायरेक्ट आपको बताता हूँ कि मेरा DJI मिनी ड्रोन क्रैश हो गया। और आप देखिए कि इसकी क्या हालत है। दोस्तों, भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि ये कैमरा और ये ड्रोन फाइनली बच गया एक बहुत ख़तरनाक क्रैश के बावजूद। तीसरी मंजिल से ये मेरा ड्रोन गिरा, कैसे गिरा वो मैं अभी आपको बताता हूँ, पर मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें डैमेज क्या हुआ। मेरा इतना सही लग था कि थैंक गॉड कि सिर्फ और सिर्फ ये मेरा नुकसान हुआ। आई डोंट नो आप ये फोकस कर पा रहा है कि नहीं, यानी कि इसकी जो लेफ्ट लेग है वो टूट गई, जो प्लास्टिक का रहता है। और उसके अलावा अगर आप टॉप पोर्शन में देखेंगे, मे बी शायद आप ये फोकस करें, क्योंकि ग्रे है तो शायद फोकस नहीं कर पाएगा। यहाँ पे हल्का सा डेंट है, ट्राई करता हूँ आपको दिखें। नहीं, आई डोंट थिंक ये फोकस करेगा। सो हल्का सा एक डेंट है यहाँ पे, अदरवाइज इसका पूरा लोअर बॉडी पार्ट और इसकी बाकी की तीनों लेग्स प्रॉपर बच गई है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि बहुत बड़ा नुकसान होने से मेरा बच गया। सो गाइज, थोड़ा बहुत प्रोपेलर का भी नुकसान, तो क्या कहूँगा, जो राइट लेग का फ्रंट राइट लेग है उसका एक प्रोपेलर मेरा टूट गया। बट जैसे कि मैंने आपको अनबॉक्सिंग में बताया था कि वो एक्स्ट्रा मिले ही होते हैं इसके साथ, तो एक प्रोपेलर तो मैं यहाँ पे अब लगाने वाला हूँ। अब फाइनली मुझे ज़रूरत पड़ ही गई। और दोस्तों, अब आप सोचिए कि जब ये मेरे सामने हादसा हुआ होगा तो मुझ पर क्या बीती होगी। दोस्तों, मैं एकदम टूट गया था और मतलब एक भयंकर वो सीन था जब मेरे सामने ये गया। तो एक्चुअली में हुआ ये था कि जैसे मैंने फर्स्ट बार जब उड़ाया अपनी गैलरी से, दोस्तों पता नहीं क्यों मेरा मन किया कि अपनी गैलरी से भी एक बार ट्राई कर लेता हूँ, जबकि बहुत सारे यूट्यूबर्स ने मना किया था कि इंडोर में या गैलरी से ना उड़ाएं। उसका कारण ये होता है कि जब भी हम इंडोर में उड़ाते हैं या गैलरी से उड़ाते हैं, अगर ऊपर छत होगी तो मैंने देखा कि जो GPS का कनेक्शन है ना वो प्रॉपर मिल नहीं पाता है। तो जब आपका ये होम तभी करता है जब ये थोड़ा सा बाहर जाता है और ऊपर छत नहीं होती, खुला आसमान रहता है। सो क्या होता है कि जब मैंने इसको फर्स्ट बार फ्लाई किया, वो मैंने रिकॉर्ड भी किया है, आपको इसमें मैं दिखाऊंगा भी वीडियो में, तो वो फर्स्ट फ्लाई जो थी वो बहुत ही सेफली हो गई, प्रॉपर लैंड भी करा लिया। बट फर्स्ट फ्लाई के बाद मैंने क्यों दूसरी बार फ्लाई किया कि फर्स्ट बार जब मैंने फ्लाई किया था तो उस फ्लाई में क्या था कि उसका जो 15 मीटर वाला जो हैक होता है वो मैंने किया नहीं था, वो मैं करना भूल गया था। तो मैंने फिर वापस लाया और मैंने फिर ट्राई किया कि उसको हैक किया एंड फिर मैंने उसको उड़ाया। जब मैंने उड़ाया तो उसके बाद मुझे कुछ अर्जेंटली काम याद आया, तो मैंने सोचा कि चलो छोड़ो फिर बाद में उड़ाएंगे। तो मैं जब उसको नज़दीक ला रहा था तो मेरी सबसे बड़ी गलती हुई। देखो, सबसे बड़ी मैं तो एक बात बताना चाहूँगा कि आज जो भी ये इंसिडेंट हुआ है मेरे साथ, मेरा ड्रोन क्रैश हुआ है, सब सारी गलती मेरी है। ये वीडियो बनाने का मेरा रीज़न ये है कि मैं आप लोगों को आगाह कर दूँ कि अगर आप लोग ड्रोन ले रहे हैं या लेने का प्लान कर रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, अदरवाइज़ आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है और उन प्रॉब्लम्स का आप सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हो। दोस्तों, तो क्या था कि जब मैं उसको वापस लाने लगा, जब वो गैलरी के अंदर आ गया तो उसका फिर से जो GPS सिग्नल था वो लॉस्ट हो गया और मैं भी थोड़ा सा गैलरी के बिल्कुल सेंटर में आ गया था और मुझे ऐसा लगा कि कहीं ड्रोन मुझे काट ना दे, तो मैंने उसको थोड़ा सा वॉल की साइड रखा था। पर जब वो अंदर आया तो मैंने उसको
थोड़ा सा खड़े रहने दिया ये सोचने के लिए कि मैं लेफ्ट राइट कैसे इसको लैंड कराऊं, पर मैंने देखा कि वो हल्का हल्का जो है दीवार की साइड को मूव कर रहा था। अब मेरे पास उस टाइम कुछ सेकंड्स बचे थे, कुछ सेकंड्स में मुझे ये डिसीजन लेना था कि मैं उसको राइट करूं या लेफ्ट करूं। अब इसी चीज़ के लिए मैं ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि इसमें प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे आप गाड़ी की प्रैक्टिस आपको चाहिए होती है, गाड़ी का आपका एक्सपीरियंस होता है, हम देखा होगा कि रिवर्स जब हम करते हैं तो थोड़ा उल्टा सिस्टम होता है जैसे हम फ्रंट में गाड़ी चलाते हैं। तो जब मैंने ड्रोन को वापस लाया तो कैमरा मेरी साइड को था और मुझे लगा कि अगर मैं इसको लेफ्ट करूँगा तो ये लेफ्ट हो जाएगा, क्योंकि एक सेकंड में मैं सही डिसीजन नहीं ले पाया और मैंने गलती से क्या किया उसको लेफ्ट कर दिया, जबकि उसका लेफ्ट था दीवार वाला। तो दीवार के साथ में पर्दे थे और पर्दों में उसके प्रोपेलर्स फंसे और बहुत ही बुरी तरीके से वो गिरा। पर्दों से ही शायद वो मतलब के लिपट के एकदम से सबसे पहले तो वो दीवार से टकराया, तब उसकी जब दीवार से टकराने के टाइम उसकी ये लेफ्ट लेग टूट गई एंड उसके बाद फिर पलटी खा करके ये नीचे गिरा। हालांकि ये घास पे गिरा, शायद तभी ये बच गया और थोड़ा सा एरिया इसका दीवार से ये वाला फ्रंट वाला पार्ट भी टकराया होगा, इसलिए यहाँ पे हल्का सा डेंट पड़ चुका है। अदरवाइज़ ये 100% ओके कंडीशन में है, इसका गिम्बल एकदम बच गया। अदरवाइज़ मैंने बहुत सारे क्रैश देखे जिसमें लोगों का बहुत नुकसान हुआ था, कई लोगों के तो पानी में डूब गए ड्रोन। और क्या बोलूँ मैं इतना बोलूँगा कि इससे पहले भी 2-3 बार कुछ हादसे होते होते बचे। जब मैं प्रैक्टिस ही कर रहा था इस ड्रोन की तो कई बार चील ने भी इस पर चपटा मारने की कोशिश की। फ्रेंड्स, मैं एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आप ड्रोन लेते हो तो ये बात मान के चलो, चाहे आप वो 20,000 का 15,000 का टैली लेते हो या आप 70-80-1 lakh का मैविक मिनी 2 लेते हो या फिर आप 2-2.5 lakh का कोई प्रो या और भी बहुत बड़े आते हैं ड्रोन, ये मान के चलो कि ये 100% एक रिस्क आप ले रहे हो, क्योंकि ये कभी भी डैमेज हो सकता है। फ्रेंड्स, कभी भी क्रैश हो सकता है, उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। पर मैं तो इतना कहूँगा कि कुछ चीज़ों पे आपको एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कि अगर इस पे गार्ड्स लगे होते, प्रोपेलर गार्ड, तो शायद मेरा ये ड्रोन बिल्कुल सही सलामत होता, क्योंकि ये पर्दों के बीच में फंसता नहीं, ये स्टिल उड़ता रहता और शायद मुझे मौका मिल जाता कंट्रोल करने का, जो कि 4-5 हज़ार का खर्चा था। तो अब क्या करूँ, दुख तो बहुत हुआ, उस दिन मैं वीडियो भी नहीं बना पाया, आज मैं तीसरे दिन इसकी वीडियो बना रहा हूँ। और तो फ्रेंड्स, ये चीज़ मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता था। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो आपको क्या करना है। देखो, डरने वाली कोई बात नहीं है, आपको इसके स्पेयर पार्ट्स भी मिल जाते हैं। वो कहाँ से मिलेंगे, किस वेबसाइट से, मैंने एक वेबसाइट ढूंढी है जो कि इंडिया की ही वेबसाइट है। वहाँ पे ड्रोन के रेट्स भी बहुत चीप है, इवन जितने का मैंने लिया उससे भी चीप रेट में आपको ड्रोन मिल जाएगा और उसके जो स्पेयर पार्ट्स है वो भी आपको मिल जाएंगे। हालाँकि मैंने ऑर्डर नहीं किए, क्योंकि मुझे क्विक चाहिए था कि ये ठीक हो जाए, क्योंकि मुझे बहुत ही जल्दी ही बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस बनानी हैं। तो मैंने क्या किया, पता किया कि ये कहाँ पे ठीक हो सकता है, क्योंकि मैं हिमाचल में रहता हूँ, तो हिमाचल में तो देखो कहीं भी ठीक होने वाला है नहीं ये, और आप बिल्कुल रिस्क भी ना लें जो ड्रोन स्पेशलिस्ट नहीं हैं। अब मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, जो मेरा नेक्स्ट व्लॉग है वो यही व्लॉग है कि ये ड्रोन ठीक कहाँ होता है चंडीगढ़ में। तो दोस्तों, मेरी नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा एंड अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल में आपको नई नई जगह के सुंदर सुंदर जगहों के व्लॉग्स देखने को मिलते हैं और मैं गैजेट लवर भी हूँ, तो कुछ गैजेट्स ख़रीदता हूँ, उसका भी मैं रिव्यूज़ करता हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और अगर आप ड्रोन लेने वाले हैं तब तो मैं गारंटेड बोलूँगा कि आप मेरे इस चैनल के साथ ज़रूर जुड़िए, क्योंकि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो थैंक यू गाइज मेरे साथ जुड़ने के लिए। गाइज, प्लीज़ मेरा साथ दें, मेरा सपोर्ट करें आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने के लिए, क्योंकि जिस भी पर्सन ने ड्रोन लिया है उस हर एक पर्सन के लिए, और ख़ासकर अगर हिमाचल, चंडीगढ़ या नियर बाय के स्टेट्स में रहता है, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है और इससे अगली वीडियो भी, तो आप इससे नेक्स्ट वाली वीडियो भी ज़रूर देखें। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, बाय बाय।